नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन एस्परगस रेसिमोसस के बारे में बात करूंगा जो कि शतावरी से बनाई जाती है। दोस्तों शतावरी को आप जानते होंगे कि आयुर्वेद में ये बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज की जाती है और आयुर्वेद में इसे जड़ी बूटियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज मैं होम्योपैथिक रोल के बारे में बताऊंगा, एस्परगस रेसिमोसस के क्या होम्योपैथिक रोल है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको शतावरी के फ़ायदे और इससे बनने वाले होम्योपैथिक मेडिसिन एस्परगस रेसिमोसस के बारे में जानकारी मिल जाए। दोस्तों इसके होम्योपैथिक रोल की अगर हम बात करें तो एस्परगस में क्रोमियम मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। दोस्तों अगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है तो क्रोमियम मिनरल्स उसको कंट्रोल करता है। इसका जो रीज़न होता है ये होता है कि आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है, इंसुलिन कम बन रहा है तो क्रोमियम से की हेल्प से इंसुलिन अच्छे से बनने लगता है और आपको ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाता है। और ब्लड शुगर के कारण बॉडी में अगर किसी प्रकार की सूजन हो गई है, ड्रॉप्सी हो गई है तो उसको भी क्रोमियम मेंटेन करता है। तो दोस्तों एस्परगस डायबिटीज़ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों अगर होम्योपैथी में कोई भी डायबिटीज़ की आप दवा ले रहे हैं उसके साथ साथ आप एस्परगस मदर टिंचर का यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये विटामिन के इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन के विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है जिससे कि आपके हड्डियों में होने वाले दर्द को ये ठीक कर देती है। दोस्तों एस्परगस के यूज करने से आपके जो नी ज्वाइंट के पेन होती हैं वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा लेफ्ट साइडेड एस्केपुला में एक्रोमियन प्रोसिस के अंदर जो दर्द होता है उसमें अच्छी वर्क करती है। साधारण शब्दों में अगर जाने तो बाई तरफ अगर कंधों का दर्द है तो उसमें एस्परगस काफ़ी हेल्पफुल होता है। दोस्तों इसके अलावा ये हार्ट प्रॉब्लम की बहुत अच्छी मेडिसिन है। हार्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो स्पेशली लेफ्ट साइडेड हार्ट में पल्पिटेशन बढ़ जाता है, ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में डिफ़िकल्टी होने लगती है, पल्पिटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके कारण आपको बेचैनी होने लगती है, आपको लेफ़्ट साइड में दर्द होने लगता है, हार्ट में पेन होने लगता है, इसके अलावा कंधों तक दर्द चला जाता है। तो ये हार्ट टॉनिक के रूप में भी यूज की जाती है। दोस्तों इसके अलावा इसमें फोलिक एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है जिससे कि आपके हड्डियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए फोलिक एसिड काफ़ी हेल्पफुल होता है जो कि आपके बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल होती है और प्रेग्नेंट महिलाओं में फोलिक एसिड काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों इसमें एक और गुण मौजूद होता है जो कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है, अगर उनका दूध का प्रोडक्शन कम हो रहा है, दूध बहुत कम बन रहा है तो एस्परगस लेने से उनके दूध में वृद्धि आ जाएगी, दूध बनने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ा देता है। इसके अलावा महिलाओं में जो हार्मोनल डिफिशियंसी होती है उसको ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। जैसे कि अगर उनका ईस्ट्रोजन हार्मोन अगर कम हो जाता है तो महिलाओं में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे कि पीरियड्स का रेगुलर हो जाना, हॉट फ्लशेस आना, बैकएक होना, मूड स्विंग्स होना, तो इस तरह की कंडीशंस को भी ये रेगुलेट करती है और ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे मात्रा में ये करती है। दोस्तों इसके अलावा महिलाओं में सेक्स प्रॉब्लम की जो समस्या है आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर मेनोपॉज के बाद महिलाओं में सेक्स की इच्छा खत्म हो जाएगी, उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है, तो यौन समस्याओं को ठीक करने के लिए भी
एस्परगस काफ़ी हेल्पफुल होता है दोस्तों। पुरुषों में भी ये बहुत अच्छी हेल्पफुल होती है, पुरुषों को भी हार्मोन को ये पूरी तरह से मेंटेन करती है। अगर हम बात करें कि जिन पुरुषों को अगर स्पर्म काउंट की कमी हो गई रही है, यानी स्पर्म की मोबिलिटी बहुत कमज़ोर हो गई है, जिसके कारण उनको ये जो स्पर्मिया का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें भी एस्परगस काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये महिलाओं और पुरुष दोनों में यौन इच्छाओं को बढ़ाता है और स्टेमिना को भी मेंटेन करता है। दोस्तों सतावर में फाइबर्स रिच सोर्सेस में पाए जाते हैं, जिसके कारण आपके बॉडी में फैट का डिपोजिशन नहीं हो पाता है और आपको ओबेसिटी से भी ये कंट्रोल करता है। दोस्तों इसके अलावा ये हमारे किडनी पे बहुत अच्छी वर्क करती है। अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो गया है, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन हो गया है, आपको पेशाब करने में डिफ़िकल्टी होती है, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, उस कंडीशन में ये बहुत काफ़ी हेल्पफुल होता है। दोस्तों इसके अलावा ये प्रोस्टेटाइटिस की भी बहुत अच्छी दवा है। एक कंडीशन मैं आपको और बता रहा हूँ कि दोस्तों थोरेक्स में पानी भर जाता है, यानी कि आपके फेफड़े में पानी भर जाना, यानी हाइड्रोथोरेक्स की ये बहुत रामबाण दवा है। दोस्तों इसके अलावा ये किडनी में जो पथरी बनने की जो टेंडेंसी है उसको ये बनने नहीं देती है, ये आपके पूरी किडनी फंक्शन के रेगुलेट करती है, पूरी तरह से कंट्रोल करके ये रखती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है, जिससे कि आपकी किडनी फंक्शन पूरी तरह से रेगुलेट होता है और कैल्शियम का जो डिपोजिशन होता है वो नहीं बनने देता है और किडनी जो है सो कैल्शियम को पूरी तरह से एक्सपेल आउट कर देती है। तो दोस्तों ये किडनी स्टोन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, डायबिटीज़ की बहुत अच्छी मेडिसिन है, मेल और फीमेल हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करती है। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, बच्चों को दूध पिलाती है, अगर दूध की कमी हो रही है तो इसको लेने से उनको दूध की मात्रा बढ़ जाती है, फॉलिक एसिड को बढ़ाता है, इससे आपके हड्डियों में जान आती है, दर्द को ख़त्म कर देती है। तो इस तरह की कंडीशंस अगर आपको है तो आप एस्परगस रेसिमोसस का आप यूज कर सकते हैं। इसे यूज कर कैसे किया जाता है दोस्तों, इसे आप मदर टिंचर फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हैं, 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम इसको लेना है। दोस्तों इसे लगातार 2 महीनों तक लेने से आपके जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ है, उसके कारण अगर आपके बॉडी में ड्रॉप्सी की कंडीशन हो रही है, वाटर का डिपोजिशन हो रहा है, बॉडी में सूजन आ रही है, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। दोस्तों इसमें भी आप 1 से 2 महीनों तक इस दवा को यूज करें, आपको सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको एस्परगस रेसिमोसस यानी सतावरी के बारे में बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसके बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या घर बैठे बैठे दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं, तो वो सुविधा आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर कुछ नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा लेता है, धन्यवाद।